स्नैक हम लोगों ने कुछ स्नैक को रेस्क्यू किया है और उन्हें लेके हम लोग यहाँ ऋषिकुंड फॉरेस्ट आ गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर्यावरण है और यहाँ सांपों के रहने की उत्तम जगह है, इससे अच्छी जगह शायद ही उन्हें मिले। हम आ गए हैं और अब हम स्नैक को जैसे निकालने वाले हैं। तो पहले मिलिए हमारे स्नैक सेवर मिथुन कुमार चौरसिया जी हैं, ये लोचापाटम में स्नैक रेस्क्यू का काम करते हैं और बहुत लगन से इस काम में लगे हुए हैं और काफ़ी बार काफ़ी घरों से इन्होंने सांप को रेस्क्यू किया है और उन्हें नेचर में ला कर रिलीज किया है और काफ़ी लोगों की जान भी बचाई है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको, ये हमारे पास एक रसल सैंड बोआ कहते हैं और एक रसल वाइपर है जो इन्होंने रेस्क्यू किया है, हम लोग उसे लेकर रिलीज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही प्रोटेक्शन में रखते हैं स्नैक को, आप सुन सकते हैं ये रसल वाइपर किस तरह गुस्से में आवाज़ निकाल रहा है, बहुत ही अटैकिंग हो चुका है। तो चलिए हम इसे लेकर बढ़ते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने स्पॉट पे जहां हम लोग को स्नैक को रिलीज करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा नेचुरल प्लेस है, चारों तरफ पहाड़ हरियाली और उसमें रहने के लिए हम जो है यहां स्नैक छोड़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं, ये रसल सैंड बोआ जिसे हम लोग कॉमन सैंड बोआ के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इस कॉमन सैंड बोआ को। दोस्तों बहुत शर्मीला सांप होता है, बहुत प्यारा सांप होता है और बहुत जल्दी घबराता है और घबराने पर जो है बहुत तेज़ प्रतिक्रिया देता है, लगता है कि कोई वाइपर सांप है लेकिन ये वाइपर नहीं है। आराम से हाथे सर के, हाँ ये वाइपर नहीं है, ये कॉमन सैंड बोआ है और इसी से मिलता जुलता अभी जो हमारे पास जहरीला सांप है रसल वाइपर वो काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है क्योंकि ये अभी देखने में थोड़ा मोटा जैसा। चलिए हम मिथुन जी से रिक्वेस्ट करते हैं इसे ले जाकर उधर छोड़ देते हैं। आइए देख सकते हैं ये जो है एक एडल्ट स्नैक है रसल वाइपर और हाईली वेनमस स्नैक है दोस्तों, इंडिया का एक हाईली वेनमस स्नैक है और बहुत तेज़ी से ये हमला करता है। हमला करने में लगभग वर्ल्ड का जो है सबसे तेज़ हमला इसी स्नैक का होता है और एक सेकंड में तकरीबन 2 से 3 बार ये बाइट ले सकता है और बराबर बाइट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसने एक बार बाइट कर ली तो फिर यह छोड़ देगा आपको, अगर आप इसके नज़दीक रहेंगे तो आपको ये बाइट करते रहेगा। तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं, कोशिश करेंगे कि इसकी आवाज़ पहले आपको सुना दें। दोस्तों ये प्रेशर कुकर की सीटी की तरह आवाज़ निकालता है, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, यह जब दिखाता है तो इस तरह से सीटी की तरह आवाज़ निकालता है और अलर्ट कर देता है कि इसे तंग नहीं किया जाए वरना यह बाइट करेगा। सकते हैं काफ़ी बिग साइज है ये रसल वाइपर स्नैक और काफ़ी हाईली वेनमस। दोस्तों ये जो स्नैक है इसमें हेमोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है जो आपको बाइट करने के बाद जो है एरिया को डैमेज कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है और धीरे धीरे मांस को सड़ाने लगता है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे ये जो है इस सांप को अक्सर लोग अजगर समझकर पकड़ने की गलती करते हैं और इसके बाइट होने पर जो है मारे जाते हैं।
तो ऐसा अगर सांप आपको कभी भी दिखे तो भूल से भी इसे अजगर समझने की गलती ना करें और इसे पकड़ने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बिना जानकारी के इसे हैंडल करेंगे तो इसकी बाइट होना लाजमी है, क्योंकि यह बहुत गुस्सैल सांप होता है। आप इसके नज़दीक से भी गुजरेंगे तो यह बाइट करेगा, इसकी प्रवृत्ति भी नहीं समझ पाता। तो ऐसा सांप अगर आपको जब भी दिखे तो कृपया उससे दूरी बना लें और बिल्कुल भी उससे छेड़छाड़ ना करें, इससे आप भी सुरक्षित रहिएगा और सांप जो है वो अपने नेचर की ओर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं साथियों, रसल स्वाइपर स्नेक इंडिया का एक हाईली वेनमस सांप, देखने में बहुत सुंदर लेकिन सबसे ज्यादा जहरीला और सबसे ज्यादा खतरनाक सांप। यह काट ले तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है जब तक कि आपको एंटी वेनम नहीं मिले। और एक बात और दोस्तों, ऐसे सांप अगर जब भी मिलते हैं, जब भी बाइट करे तो झाड़ फूंक के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप झाड़ फूंक कराएंगे तो आपकी जान तो जाएगी ही जाएगी, आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए ऐसा सांप जब भी बाइट करता है, वेनमस सांप कोई भी हो या अदर कोई भी सांप आपको बाइट करे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल ही जाना है। और ये एक ऐसा सांप है जिसके दांत जो है बहुत लंबे होते हैं, जिसके विषदंत जो है अन्य सांपों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। वेरी डेंजरस स्नेक रसल स्वाइपर, इंडियाज हाईली वेनमस स्नेक, वेनम टाइप हेमोटॉक्सिन विच इज रीजनेबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग और गैंग्रीन प्रॉब्लम्स। आपने देखा फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्नेक को रेस्क्यू करके और उन्हें लाकर नेचर में रिलीज किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे रिलीजिंग वीडियो बहुत पसंद आएगा, और सांपों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें स्नेक लवर। और हमारे मिथुन जी जो कि लोचापाटम में स्नेक सेवर का काम करते हैं और काफ़ी समय से यहाँ सांपों को बचा रहे हैं, तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6 से 620 418 3375। आप इन नंबर पे कभी भी फोन कीजिए, 24 घंटा हम दोनों भाई तैयार रहते हैं आप लोगों को सेवा देने के लिए। हमारी उम्मीद है दोस्तों कि अगर इस एरिया में लोचापाटम जमालपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अगर कोई भी सांप निकलता है आपके आसपास, तो आप मिथुन जी से कांटेक्ट करें और ये आपके घर आकर आपको इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार फिर से और स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद। Let me see you.